हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोभी के पकोड़े। तो शुरू करते हैं। 500 ग्राम की गोभी लिए, उसको ऐसे पीसेस में कटिंग कर लिया है। और सबसे पहले हम इसको पानी में बॉईल करेंगे। पानी को मैंने बॉईल करना रख दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे। तो पानी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें गोभी के पीसेस डाल देंगे। हमने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करेंगे। जितनी देर में गोभी बॉईल हो रही है, उतनी देर में हम एक चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए हमें काफ़ी सारा लहसुन चाहिए, मिर्ची चाहिए 6 से 7, एक अदरक का टुकड़ा और धनिया। इन सबको हम मिक्सी जार में डाल देंगे। इस चटनी से हमने गोभी की मैगनेट तैयार करनी है। ये एक अलग तरीके के पकोड़े बनेंगे और खूब करारे भी होंगे। और अदरक को भी हम अच्छे से इसको रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून, थोड़ा मिर्ची तो नहीं डालनी, सॉरी मैं मिर्ची डालने लगी थी, मिर्ची नहीं डालनी क्योंकि हरी मिर्च है इसमें। इसमें थोड़ा अमचूर पाउडर, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, इसको हम थोड़ा पानी डाल के अब इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। गोभी को हमने ज़्यादा बॉईल नहीं करना। अब हम इसको ऐसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम गोभी का एक मैग्नेट तैयार करेंगे। ये गोभी है, इसको हम इस बॉल में डाल लेंगे। इसके बाद हम इस पे थोड़ा सा हम 1 टीस्पून हम इसमें बेसन थोड़ा सा डाल छिड़क देंगे। और जो हमने ये चटनी तैयार की थी, इसके साथ हम इसकी मैग्नेट करेंगे। हम इसको इसके ऊपर डालेंगे अच्छे से, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे हमने चटनी सारी इन पीसेस पे लगा दी है। अब हम इसको 10 मिनट के रख देंगे। इतनी देर में हम बेसन का घोल तैयार करते हैं। अब हम बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। ये मैंने बेसन लिया है थोड़ा, इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे। और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम इसमें, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि नमक मिर्च का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने जो चटनी हमने गोभी पे लगाई है उसमें भी हमने नमक मिर्च डाला हुआ है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको फेंट लेंगे। ये देखिए, बेसन हमने घोल लिया है। ये देखो, ऐसा होना चाहिए थिक। आप इसको जितना ज़्यादा फेंट सकते हो उतना ज़्यादा फेंटो, क्योंकि हमने इसमें कोई सोडा वगैरह तो बिल्कुल नहीं डाला। तो ऐसे इसमें हवा भरने से पकौड़ा बहुत अच्छा बनता है इससे। ये देखिए, ऐसा होना चाहिए। इधर कढ़ाई में मैंने ये तेल डाल दिया। अब हम इसमें बेसन में
ये जो हमारी मैरिनेट की हुई गोभी है ऐसे इसको लपेटेंगे और ऐसे ही हम इसको इसमें एक एक करके छोड़ देंगे। ऐसे ही हम कढ़ाई में डालते जाएंगे। ऐसे देखो ये पूरा कवर होना चाहिए पीस। अब हम इन पकौड़ों को एकदम से नहीं हिलाएंगे। अगर एकदम से हिला देंगे तो जो हमारी ऊपर कोटिंग की हुई है वो सब निकल जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा इनको पकने देंगे। देखिए ये पकने के बाद इसको थोड़ा हम इसको पूरा फ्राई नहीं करेंगे, तो दो बार फ्राई करेंगे हम। ये देखिए पकोड़े जब ऐसे हो जाएं तब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे बाकी के गोभी के पकोड़े भी मैंने ये हाफ फ्राई कर लिए, इसको भी अब हम निकाल लेंगे। अब हम इनको दोबारा फ्राई करेंगे तेल को खूब अच्छे से गरम करके, और फिर हम इसको दोबारा एक बार फिर फ्राई करेंगे। तेल को मैंने बिल्कुल तेज गरम कर लिया है। अब हम इसको एक एक पकौड़ा लेंगे, उसको ऐसे रखेंगे और उसको हल्का सा दबा देंगे, ऐसे करके हम इसमें तेल में छोड़ते जाएंगे। हल्का सा दबाएंगे, ऐसे करते हैं हम सारे पकोड़े ऐसे हम फ्राई कर लेंगे। ये बहुत बढ़िया बनेंगे, इसको ब्लास्ट पकोड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि हमने जो इसमें चटनी डाली है वो काफ़ी स्पाइसी थी, लेकिन बेसन के साथ उसका बैलेंस बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा और खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसे ही हम सारे पकोड़े दोबारा से इसको तल लेंगे। पकोड़े रेडी हैं, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, कितने क्रिस्पी बने हैं। अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं पकोड़े। अब हम इसको हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। हमारे गोभी के पकौड़ों की प्लेटिंग रेडी है हरी चटनी के साथ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और बना के ज़रूर देखना। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। ये गोभी के पकौड़े आपने बहुत खाए होंगे लेकिन ऐसे नहीं खाए होंगे, आप ये ज़रूर बनाना और खाने के बाद मेरे को कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगे। थैंक यू।